आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कल नागपुर से दिए बयान की भी चर्चा है और कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। आज की सियासत पर संघ प्रमुख का बड़ा संदेश सामने आया, जिसमें अहंकार हो वो सेवक नहीं हो सकता है। चुनावी मुकाबला जरूर, उसमें झूठ ना हो, ये सारे संदेश मोहन भागवत ने दिए, जिसके बाद अब इसकी काफी चर्चा होती हुई नजर आ रही, विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहा जाए। तो कल नागपुर में अपने बयान में इन्होंने काफी बातें कही जिस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। अहंकार को लेकर एक शब्द कहा कि अहंकार नहीं आना चाहिए, अगर अहंकार है तो वो सेवक नहीं हो सकता। आज की सियासत पर संघ प्रमुख का ये बड़ा संदेश। ये मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं, काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है, वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है।